हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि ढील और खींच का पेश कैसे लेते हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप पतंग उड़ाते ही होंगे, तो चलिए मैं बताता हूँ। ये आपकी पतंग है ये वाली, और ये अपोनेंट की पतंग है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा ढील का पेश कैसे लेते हैं। पहले हाथ में ये पतंग आपकी है, तो इसको ऊपर से ले जाके उसके ऊपर रख देनी है, पटक देनी पूरी, ऐसे ढील छोड़ देनी है पूरी, तो उसकी कर जाएगी। पहले मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये आपकी पतंग है, आपको ऊपर से ले जानी है, फिर नीचे ढील पटक के उसके ऊपर ऐसे ढील छोड़ देना, तो उसकी कटनी है, कट जाएगी। कुछ भी कहे, खींचे या ढील दे, उसकी कटेगी। और दूसरा ये कि आपको ऊपर से जाना है, नीचे से रख के फिर धम मोड़ लेना है पूरा, ऐसे पूरा, फिर ढील छोड़ देनी पूरी। फिर से बता देता हूँ, ऐसे ऊपर जाके ऐसे पटकना है, फिर ऐसे मोड़ के इधर ले जाना है, फिर ढील छोड़ते जाना, छोड़ते जाना, उसकी कट जाएगी। अब आपको मैं बताऊंगा खींच का पेच। खींच का पेच लेने के लिए जैसे इस पतंग की इतनी दूरी और रखनी, खींचने के पेच के लेने के लिए जितनी दूरी है दो पतंग के बीच में उतनी दूरी और ले जानी आगे, नीचे से जाके घुमा के फिर जम के खींच देनी है, खींच देना है, उसकी कट जाएगी। वैसे ऊपर से भी करना, उतनी दूर ले जाके ऊपर ले जाके फिर पटक के सीधा ढील देना है, सीधा कट जाएगी उसकी। और उसमें और एक और है, ऐसे ऊपर ले जाके सीधा बाहर की ओर खींचना है ऐसे, तो उसकी कट जाएगी पतंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। से मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, आखिरी वाला पेच आपको लेना है, ये आपकी पतंग है, दूसरे की अपोनेंट की पतंग है। आपको ऊपर से ले जाए सीधा क्रॉस में मारनी है, ऐसे सीधा क्रॉस में, तो उसकी कट जाएगी ऐसे। ये मेरा पार्ट वन है, इसका मैं पार्ट टू भी बनाऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।